हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम कवर करने वाले हुंडई की टू न्यू एसयूवीज के बारे में, जिसके अंदर में एडवेंचर एडिशन देखने को मिलेगा। गाइस, मैं बात करने वाला हुंडई की क्रेटा एंड अल्ट्रा के बारे में, जिसके अंदर अब से हमें जो रेंजर का की कलर ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, जो कि हमें एडवेंचर एडिशन के नाम से जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड बात करने वाला हूँ कि फ्रेंड, इसके अंदर हमें खाली कलर ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा, या फिर और भी हमें इस तरह के जो फीचर्स है जो कि हमें एडिट देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, ये जो एडिशन देखने को मिलता है, जैसे कि हमें हुंडई की क्रेटा का हमें जो नया एडिशन देखने को मिलता है उसी के जैसा ही हमें एडिशन देखने को मिलेगा। हालांकि इसका नाम हमें एडवेंचर एडिशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें न्यूली इंट्रोड्यूस एक हमें रेंजर खाकी कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एग्जिस्टिंग हमें जो हुंडई की एक्स्ट्रा है उसके अंदर भी देखने को मिला था, वही पेंट ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड बात करूँ चेंजेस के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड, ये एडिशन जो कि हमें ड्यूल टोन फिनिश में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ भी जो है हमें देखने को मिलने वाली है। बात करो फ्रेंड्स के एक्सटीरियर प्रोफाइल के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें ब्लैक कॉन्ट्रास्ट एक्सटीरियर एलिमेंट, जैसे कि हमें फ्रंट एलियर बम्पर, रूफ रेल्स, ORVMs एंड जो एलॉय व्हील्स है जो कि हमें ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही में हमें जो एडवेंचर एडिशन का बैजिंग है जो कि हमें इसके फ्रंट फेंडर पे भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, ये जो स्पेशल एडिशन मॉडल देखने को मिलता है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें इंटीरियर के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये हमें ऑल ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के साथ में अपोलेस्ट्री एंड एडवेंचर एडिशन का बैजिंग जो कि हमें इसके सीट के हेडरेस्ट एंड डोर सील्स पे भी जो है हमें देखने को मिलने वाला है। पावर ट्रेन ऑप्शन में हमें कोई भी चेंजेस जो हमें नहीं देखने को मिलेगा फ्रेंड, ये हमें 1.5 लीटर डीजल एंड पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शंस के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिलेगी। एंड गियर बॉक्स के बारे में बात करो तो इसके अंदर हमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स ऑप्शंस जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो इस एडिशन के बारे में इतने ही फीचर्स एंड जो स्पेसिफिकेशन है वही देखने को मिलते हैं। और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।